आज जो तरीका आपको बताने जा रही हूँ, इससे न केवल आप ये जान पाएंगे कि वास्तव में आपका शत्रु कौन है, आप चुटकी बजाते ही उसकी शत्रुता भी दूर कर पाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री। मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियाँ दे मित्रों, आपके घर को आबाद रखें, शत्रु पीड़ा से आपको दूर करें। मैं एक ज्योतिषी हूँ, आप ज्योतिषी परामर्श भी लीजिए मुझसे, जिससे कि आपका जीवन संवर सके। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है जीवन में। इसके अलावा आपके छोटे छोटे उपाय किसी बड़े पंडित से कराने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो। लेकिन यदि आपके पास समय नहीं है तो ये व्यवस्था भी हमारे पास है, बड़ी पंडितों की टीम है हमारे पास में, आप चाहें तो हमसे भी अनुष्ठान करवा सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं मित्रों। शत्रु बाहर से ज़्यादा घर के घातक होते हैं। आपके अपने ही घर के भीतर ही आस्तीन के सांप के रूप में होते हैं और आपको पता ही नहीं होता, आपकी जड़ों को काट रहे होते हैं। स्पेशली जॉइंट फैमिली, जहाँ पर ये डिमांड रहती है कि हर सदस्य एक दूसरे के प्रति प्यार का भाव रखे, ऐसे में ये सब चीज़ें तिरोहित होती हुई लग रही हैं, क्योंकि बहुत कमी आती जा रही है आज के स्वार्थी कलयुग में। लोग सिर्फ अपना अपना सोचते हैं। मेरी एक मिलने वाली हैं जो कि बॉम्बे में रहती हैं, और उनकी शादी को लगभग 18-19 साल हो गए, लेकिन उन्होंने ये बात मुझसे लगभग 6 महीने पहले शेयर करी कि उनके घर में कोई एकता नाम की चीज़ नहीं है, जबकि उन्होंने ये कभी भी डिस्क्लोज़ नहीं किया था। उन्होंने ये कहा था मेरी जॉइंट फैमिली है, लेकिन उन्होंने बताया, बड़ी पीड़ा के साथ बताया, कि वो 18-19 साल से सिर्फ एक कमरे में रह रही हैं, जबकि घर काफ़ी बड़ा है और कोई भी सदस्य एक दूसरे के साथ समझौता करने को तैयार नहीं है। बड़ा दुख और वितृष्णा हुई ऐसी स्थिति को देखकर कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन इनकार नहीं कर सकते। स्पेशली जब घर का मुखिया नहीं रहता है, घर के पिता नहीं रहते हैं या माता नहीं रहती है, तो घर बंधकर नहीं रह पाता है और घर में बिखराव चालू हो जाता है, और ऐसे में सब अपनी अपनी लगाते हैं। स्थिति और भी विकट हो जाती है जब हस्बैंड वाइफ में से एक ना रहे, मतलब पिता है तो माँ ना रहे या माँ है तो पिता ना रहे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, और ऐसे में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है उस सदस्य को जो सही होता है और पूरे घर को बांध के रखने की कोशिश करता है। बिखराव उससे बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन कब तक बर्दाश्त करे, कब तक लोगों को सद्बुद्धि का मार्ग दिखाए, वो सिर्फ अपने को ही प्रोटेक्ट कर सकता है। तो आइए इसी पर शुरुआत करते हैं आज, और आपको बताते हैं कि आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें। देखिए, सबसे बड़ी स्थिति तो ये है कि आपको ही अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। आप बहुत सही हैं, सही मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन ऐसा करते करते आप लुट जाएंगे एक दिन, क्योंकि ये राक्षसों से भरी हुई दुनिया है। इसमें कलयुगी आपके रिश्तेदार, आपके अपने ही रक्त संबंधी आपके ही बंटाधार करने में लग जाते हैं। जो जब जागे तभी सवेरा, तो जग जाइए और अपने बारे में भी सोचना चालू कर दीजिए, क्योंकि अगर बहुत स्वार्थी लोग हैं तो अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करिए उनके लिए। ये मान के चलो कि आप किसी को नहीं सुधार सकते, सिर्फ अपने आप को सुधार सकते हो, और आप तो सुधरे हुए ही हो ना, आप तो अच्छे हो ही ना, तो फिर आपको बस अपने शत्रुओं से, क्योंकि वो शत्रु ही हो गए, अगर वो भाई आपके लिए नहीं सोच रहे हैं, बहन आपके लिए नहीं सोच रहे, तो वो शत्रु ही हो गए आपके लिए। तो आप उनके लिए भावना जरूर अच्छी रखें, लेकिन आपका भी परिवार है, आपके भी बच्चे हैं। बहुत सी बहनें ये शिकायत करती हैं कि उनके पति अपने ऐसे भाई बहनों की मदद करते हैं जो रत्ती भर भी उनके सगे नहीं हैं। वो घर का, अपने यहाँ तक कि अपने बच्चों तक का पैसा अपने भाई बहनों पर लुटा देते हैं, जो कि काफ़ी गलत है। देखो, आपने विवाह किया है, आपकी पहली प्राथमिकता आपका परिवार होना चाहिए, बाकी समाज सेवा बाद की बात है। जो अपने घर परिवार का संरक्षण नहीं करता मनुष्य, और अपने भाई बहनों को, अपने परिवार वालों को पैसा लुटाता रहता है, उससे बढ़कर मूर्ख कोई नहीं है। आपने जिस जिम्मेदारी को वहन किया था, विवाह किया था, संतानोत्पत्ति की थी, तो वो आपका नैतिक दायित्व है। आप दूसरों का कितना भी भला कर दो, लेकिन अगर आप अपने घर वालों का अहित करते हो, तो आपसे बड़ा मूर्ख और नासमझ कोई नहीं है। बुरा मत मानना, लेकिन जो सच है वही बोलूँगी मैं आपको। तो आज ही से ये प्रण कीजिए कि आपको अपने निर्माण में समय लगाना है, अपनी पत्नी अपने बच्चों का ध्यान रखना है, और मैक्सिमम समय वहीं लगाना है। समय बचता है तो हेल्प करो दूसरों की, लेकिन जब तक आप खुद ही सिर उठा के नहीं जी पाओगे तो क्या करोगे, एक दिन आपके अंदर ही फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। तो अपने शत्रुओं को पहचानना सीखो, स्पेशली ऐसे लोग जो आपके घर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे भाई बहन जो आपके घर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे डिस्टेंस बना के चलें। अपने घर की बुराई कभी भी अपने भाई बहनों से ना करें। कई लोग अपनी पत्नी की बुराई अपनी बड़ी बहन से करते हैं, अपने भाई से करते हैं, यहाँ तक कि अपने बच्चों तक को नहीं छोड़ते, बच्चों तक की बुराई करते हैं, जो कि काफ़ी गलत है। इस चीज़ को बंद कर दीजिए। ऐसा करने से आप अपने ही ग्रहों को खराब कर रहे हो, अपनी तरक्की को कई गुना पीछे धकेल रहे हो। अब मेथड बताती हूँ आपको। एक मेडिटेशन करनी है, उस मेडिटेशन में आपको ए से लेकर जेड तक सभी लोगों का नाम एक कागज़ पर लिख लेना है, जो भी आपके संपर्क में है, और उनका नाम 11-11 बार लेकर आपको निद्रा करनी है रात्रि को। आपको ये काम लगातार करना है, और कुछ ही समय बाद जो आपका एक्चुअल शत्रु होगा वो आपको सपने में दिखाई देना लग जाएगा, तो फिर आप ये मान लीजिएगा कि वो व्यक्ति आपका शत्रु है।
शत्रुओं की ही लिस्ट लिखनी है इसलिए वही दिखेगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है डाउट होता है, क्लियरिटी नहीं होती है, तो इसलिए नाम लिखें और वो शत्रु आपको दिखाई देने लगेगा। उससे आपको डिस्टेंस बना के रखना है और कोई संपर्क नहीं रखना है, और उससे आपको हमेशा सावधान रहना है। तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप अपनी नाम राशि से भी पहचान सकते हो। जैसे कि अगर आपकी जो राशि है मेष है, तो आपकी जो वृश्चिक राशि वाले हैं वो आपके शत्रु हो सकते हैं, मीन राशि वाले भी आपके शत्रु हो सकते हैं। अब राशि की बहुत ज़्यादा विस्तार से बनाने के लिए एक और वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि सभी का समेटना संभव नहीं है, सभी के बारे में बताना भी संभव नहीं है। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए धनु राशि कंफर्टेबल नहीं रहती है। इसके अलावा उनके लिए मेष राशि भी, विवाह तो होते हुए देखे गए हैं मेष और वृषभ के हमने कही, लेकिन फिर भी उनमें तनातनी बनी रहती है। तो इसलिए 100% बहुत आप इनको अपना हितैषी ना समझें। अब मैं बात करती हूँ मिथुन की। मिथुन वालों के लिए जो सबसे ज़्यादा उनको परेशान करती है वो है मकर राशि। मिथुन राशि और मकर राशि वालों की ट्यूनिंग नहीं बैठती, अल्टीमेटली झगड़े पर ही बात खत्म होती है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए कुंभ राशि वाले खून चूसने वाले साबित होते हैं, तो खून चूसने वाले ऐसे लोग जो स्पेशली स नाम के होते हैं आपके लिए सही नहीं। वैसे अच्छे होते होंगे, ये किसी की कोई भी नाम वाला खराब और अच्छा हो सकता है, तो यहाँ स नाम वाले नाराज ना हो या बुरा ना माने। मैं सिर्फ यहाँ ये बता रही हूँ कि जो जिनकी कर्क राशि है उनके लिए स नाम वाले लोग अनुकूल नहीं होते हैं। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए मीन राशि वाले लोग प्रतिकूल होते हैं और कर्क राशि वाले भी प्रतिकूल होते हैं। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए मेष राशि वालों से संबंध घातक होता है, उनसे कोई व्यवहार ना रखें, वो आपके लिए परेशानी के कारण बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए वृष राशि वाले परेशानी पैदा कर सकते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इनकी प्राय निभ जाती है, लेकिन कई बार इनको दिक्कत आती है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए मिथुन राशि वाले ठीक नहीं रहते हैं, शत्रु साबित होते हैं। अब हम बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए कर्क राशि वालों से संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। अब हम बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए सिंह राशि वालों के लिए शुरू में अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन बाद में ये परेशानी का बहुत बड़ा कारण बनता है, कई बार इनकी वजह से बहुत झगड़े टंटे होते हुए देखे गए हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कन्या राशि वाले लोग ठीक नहीं रहते हैं। मीन राशि वालों के लिए तुला राशि वाले लोग प्राय खतरनाक रहते हैं, लेकिन क्योंकि तुला राशि वाले लोग सज्जन प्रकृति के होते हैं सामान्यतः है, लेकिन फिर भी आपके लिए आपको उनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज़ है आप उनके लिए बहुत अच्छा भाव भी रखेंगे तो अल्टीमेटली आपको दुखी होगा।